सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्या हाल चाल भाई लोग। सो भाई, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है। बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था एजास क्यूएट इंटरकॉम के ऊपर। ये एक रिव्यू वीडियो था। बेसिकली मैंने उसमें अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ दिखाया था और छोटा सा रिव्यू किया था। तो उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उस वीडियो पे, और बहुत सारे डीएम आते हैं। कुछ भाइयों का नेपाल से भी आता है भाई डीएम कि भाई एजास क्यूएट इंटरकॉम मैं ले लूँ, कैसा है बैटरी लाइफ, वो पानी में कैसा काम करता है वगैरह वगैरह, एक्स वाई जेड बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने बहुत सबका रिप्लाई भी कर दिया। तो भाई, जब ज़्यादा कमेंट्स बढ़ जाते हैं ना, तो उस टाइम पे सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि एक नया वीडियो बना करके आपको सब कुछ डिटेल्स में बता दिया जाए। तो भाई, यहाँ पे जैसा देख सकते हो कि दोनों हेलमेट मैंने इंस्टॉल किया था। सबसे पहले भाई इस पर इंस्टॉल हुआ था, सेकेंड इस पर इंस्टॉल किया था हमने। तो ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 4 महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो मैंने डाला था 3 महीने पहले, एंड 3 महीने पहले वीडियो डाला था, उसके 1 महीने पहले मैं इस हेलमेट को लगा करके मैं यूज़ कर रहा था। तो ऑलमोस्ट 4 महीने से मैं इसको प्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ। जो मेन होता है बारिश का टाइम, यानी कि रेनी टाइम पे, तो उस टाइम पे भी हमने यूज़ कर लिया। तो मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ऑलराइट भाई, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई मैं इस हेलमेट पे सेम इंटरकॉम को 4 महीने से लगातार यूज़ कर रहा हूँ, और जैसा आप सबका कमेंट था कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आया बैटरी लाइफ से लेकर के वाटर प्रूफिंग वगैरह, एक्स वाई जेड म्यूज़िक सिस्टम वगैरह कैसा परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे भाइयों का जो कमेंट था, तो सबका भाई सवाल का जवाब इस बार इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इंटरकॉम एजास की तरफ से आने वाली क्यूएट इंटरकॉम है। एंड जैसा मैंने बता दिया कि मेरे पास 2 पीस था और दोनों हेलमेट पे लगा करके हम दोनों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक जो कैमरा पकड़ रहा है यानी कि मोहित यूज़ करता है, उसके हेलमेट पे रहता है। एंड भाई, इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बेसिकली देखो यार, इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट आप मान सकते हो इसे भी। तो मैं देखो यार, इसे क्यूएट को यूज़ कर रहा हूँ, एंड बहुत सारे लोग V6 प्रो यूज़ करते हैं। एक भाई का कमेंट था कि भाई V6 प्रो लें या क्यूएट लें। तो भाई देखो, सीधी सी बात है कि V6 प्रो एक ब्लूटूथ इंटरकॉम है और ये एक मैस इंटरकॉम है। ठीक है, ब्लूटूथ इंटरकॉम और मैस इंटरकॉम दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्लूटूथ होता है कि भाई आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है या ब्लूटूथ डिवाइस जो भी होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा, बट मैस इंटरकॉम होता है कि एक इनका वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करते हैं और इसमें 6 राइडर या जैसा भी आपका डिवाइस होता है, डिवाइस की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर आप क्यूएट लेते हो तो इसमें एक बार में 6 राइडर कनेक्ट हो सकते हो एक साथ में, और इनका रेंज होता है 1 किलोमीटर के अंदर में आप आराम से कनेक्ट रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। विदाउट फ़ोन नेटवर्क आप बात कर सकते हो। और भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जिन भाई को कमेंट था बैटरी लाइफ को लेकर के, तो भाई देखो, इस इंटरकॉम में जब भी साथ में निकलते हैं अमर मोहित, तो हमारा मेस इंटरकॉम कनेक्ट रहता है, मेस सिस्टम कनेक्टेड होता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बात करते हुए चलते हैं। एंड उस सिनेरियो में भाई, ये पूरा दिन बहुत अच्छे से बैकअप निकाल करके दिया है। हम जब वापस घर पहुँचे थे उस समय भी इसमें 20% का बैकअप अवेलेबल था। तो भाई, बैटरी बैकअप में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पूरे दिन राइड करते हो, पूरे दिन से अगर थोड़ा ज़्यादा भी राइड कर लेते हो तो भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। बैटरी बैकअप के मामले में पास है भाई। अगर इसे कनेक्टिविटी की बात करें, देखो मेस कनेक्टिविटी में थोड़ा सा लिटिल बिट का इशू आता है, अगर कनेक्ट होने में नहीं, कनेक्ट तो ईजिली हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, एक बटन टैप करो कनेक्ट हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको रिव्यू वीडियो देखना होगा तो आप प्लीज़ जाकर के आई बटन में लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लेना। पूरा डिटेल रिव्यू मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म रिव्यू है, तो भाई आप लॉन्ग टर्म रिव्यू की तरह ही इस वीडियो को लेना। ठीक है, एंड भाई देखो, मेस इंटरकॉम में इशू क्या होता है कि जब हम किसी बिल्डिंग, बड़े बिल्डिंग के साइड से अगर टर्न करते हैं ना, दोनों दो कोने पे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है। एंड कभी भी हाई इंटेंस वाली इलेक्ट्रिसिटी वाली जो केबल होती है या टावर होता है उसके आसपास जब गुजरते हैं, उस समय पे थोड़ा सा ये इंटरप्ट हो जाता है। डेफिनेटली इस चीज़ में थोड़ी सी इशू है। अदरवाइज़ अगर आप प्लेन रोड पे चल रहे हो, थोड़े बहुत टर्निंग वर्निंग है, तो उससे कोई इशू नहीं, आराम से इसे यूज़ कर सकते हो आप। एंड बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन था कि भाई ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। IP67 का रेटिंग आता है, एंड जो भी डिस्प्ले हुआ होगा फिगर मैं एक्चुअल फिगर डाल दूंगा। तो भाई अगर वाटर प्रूफिंग चेक करना है तो वाटर प्रूफिंग के लिए भाई आप सबके लिए ये वीडियो देख लो। बकायदे इसको मैंने टैप चला करके धो दिया है, और धोने के बाद भी प्रॉपर तरीके से अभी काम कर रहा है, मोहित के हेलमेट में लगा पड़ा है और आराम से चल रहा है। अब रही बात इस इंटरकॉम का, तो भाई इस इंटरकॉम को बारिश के टाइम पे मैं और मोहित, हम दोनों भाई पूरा हेलमेट भिगा चुके हैं बारिश में, और यहीं लखनऊ की बात है, हम लखनऊ में इसे चला रहे थे और भाई बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, इस हेलमेट को पहन करके हम लोग ने यूज़ किया है। कोई दिक्कत नहीं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बात करते करते घर तक गए, और उस टाइम पर भी 20% बैटरी बचा हुआ था। तो भाई इसका बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है, पास है, एंड बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, 1 नंबर है। आप भाई ये जो प्रीमियमनेस है ना, आपको किसी अदर अभी इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी इंटरकॉम में देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर इस प्राइस पॉइंट पे आपको मैस इंटरकॉम नहीं, ब्लूटूथ इंटरकॉम ऑफर करते हैं बहुत सारी कंपनियाँ। एंड
आप इसे कंसीडर कर सकते हो जो भाइयों को लेना था, जिस भाई जो भी भाइयों का क्वेश्चन था वो नेपाल से हैं या भाई आप इंडिया से हो, कहीं से भी हो, तो आप बाई कर सकते हो। इसका प्राइस पॉइंट इंडिया में 10,000 rupees है, 9,999 अमेजोन पे, एंड ऑफिशियल वेबसाइट से बाई करते हो तो आपको 12,000 में दो पेयर मिल जाएंगे। बट ऑफिशियल वेबसाइट से बाई करने के लिए भाई आप ध्यान रखना कि आपको कस्टम चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कस्टम चार्जेस लगा करके मे बी कि आपको सेम 15,000 या 18,000 के आसपास तक का पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अमेजोन से बाई कर लेना, एंड किसी किसी शॉप पे अगर अवेलेबल है तो आपको वहाँ पे और भी अच्छे डील में मिल सकता है। फिलहाल किस शॉप पे अवेलेबल है इसका मेरे को प्रॉपर आइडिया नहीं है, बट अमेजोन पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और कुछ भाइयों का क्वेश्चन था भाई कि म्यूज़िक शेयरिंग कैसा काम करता है, तो देखो भाई म्यूज़िक शेयरिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। हालांकि म्यूज़िक शेयरिंग हम लोगों ने एक बार आई थिंक एक ही बार यूज़ किया, बिकॉज अभी ज़्यादातर हम बात कर रहे होते हैं दूसरे से तो म्यूज़िक शेयरिंग की नीड नहीं होती है। बट अगर म्यूज़िक शेयरिंग के टाइम पे भी आपको बैकअप बहुत बढ़िया मिलेगा, अगर सिर्फ आप फ़ोन से कनेक्ट करके आप इसमें म्यूज़िक सुनते हो तो म्यूज़िक सुनते टाइम भाई इसका बैकअप बहुत ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफ कि इंटरकॉम में ज़्यादा बैटरी का यूज़ होता है, एंड हम सिर्फ म्यूज़िक यूज़ करते म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो उस टाइम पे वो बैकअप थोड़ा बढ़ जाता है। अगर पूरे दिन भी बहुत बढ़िया से अगर म्यूज़िक यूज़ करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा बैकअप देखने को मिल जाएगा। आप मान लो कि पूरे दिन आप 70% से ज़्यादा बैटरी इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, तो बैकअप के मामले में आपको कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई। एक बढ़िया हार्डकोर राइडर के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, एंड भाई बहुत अच्छे ब्रांड का है, इनका सपोर्ट सर्विस भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी इनकी ये रिस्पॉन्स भी करते हैं। कोई दिक्कत आता है, कोई भी इशू आता है, आप डायरेक्टली इनके सपोर्ट सर्विस पे जाओ, इनके वेबसाइट पे आप सपोर्ट के लिए अप्लाई करो, फटाक से रिस्पॉन्स इनका मिल जाता है। तो अगर आप कोई इंटरकॉम बाई करना चाहते हो, अगर आपका बजट 10,000 है, 10,000 के अंदर में है, तो डेफिनेटली आप Ejeas Q8 को कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज ऑफ कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको गूगल कर सकते हो, इस प्राइस पॉइंट पे जितने सारे फीचर्स ये अलाउ करता है कोई भी अदर ब्रांड आपको इतने सारे फीचर्स नहीं देता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था भाई अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस चार महीने से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस है ये मैंने आपके साथ शेयर किया। सो भाई बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर कोई भी इंटरकॉम से जुड़ा हुआ सवाल या सुझाव तो प्लीज़ कमेंट करना, हर कमेंट का जवाब मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम ID आ रहा होगा VK22Rider, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको इसके अनबॉक्सिंग इंस्टॉलेशन एक ओवरव्यू वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डला हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइडिंग गियर्स पहनो, हेलमेट पहनो एंड सेफ राइड करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।